तो इसमें आपको एक्चुअली बताना था कि जो एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ होती है वो टीओटी को, अगेन टीओटी इफेक्ट की ही बात हो रही है यहाँ पे, कि टीओटी इफेक्ट आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो हर्षित, आपने ये पेपर किया था इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, चलिए आपकी कॉपी चेक करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इमिसराइजिंग ग्रोथ एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड? ओके, थ्रू ट्रेड पॉलिसी इंटरवेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन में आपने लिखा, इमिसराइजिंग ग्रोथ इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय, ये देखिए थोड़ा इसको साफ लिखा करिए, इट इज अनरीडेबल, जगदीश भगवती। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जगदीश भगवती, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर वेलफेयर टू ग्रो अलॉन्ग विद द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी ग्रोथ इंक्रीज इन आउटपुट कैन डे। ठीक है, सो ये दिस इज फाइन। आपने इंट्रोडक्शन में इमिसराइजिंग ग्रोथ, क्योंकि पूछ रहा है, हमेशा इंट्रोडक्शन में आपको यही बताना होता है, मेन टॉपिक जो हो उसको इंट्रोड्यूस करना होता है, जो कि आपने यहाँ पर किया है, सो इंट्रोडक्शन वॉज गुड। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आपका आ जाता है बॉडी, और बॉडी जो है वो बेसिकली आपका जो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे, वो कह रहा है कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए ट्रेड पॉलिसी इंटरवेंशन से। तो इमिसराइजिंग ग्रोथ क्योंकि एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, तो हम उसके प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा है कि टू इफेक्ट्स कम इनटू प्ले व्हिच डिसाइड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेल्थ इफेक्ट और टीओटी इफेक्ट। तो यहाँ पे आपने वेल्थ इफेक्ट को डिफाइन किया, टीओटी को डिफाइन किया है, इफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड डिक्रीजेस। ठीक है, ये देखिए एरो का यूज मत किया करिए, इसमें जो है नंबर कट जाएंगे आपके, बोथ टी ओ टी इफेक्ट एंड वेल्थ इफेक्ट डिसाइडेड। ठीक है, प्रोड्यूसर साइड ऑफ अ कंट्री इज प्रोड्यूसिंग, तो पॉलिसी इंटरवेंशन और ट्रेड बैरियर्स रिफर्स टू टैरिफ। ठीक है, आपने इसको भी डिफाइन किया। ग्राफ नहीं बनाया आपने यहाँ पे, कोई ग्राफ बनाते तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते। हमेशा इकोनॉमिक्स के आंसर में ग्राफ या फॉर्मूला कुछ हो तो उसको जो है लिखना होता है। मिशन प्रमोट टू प्रिवेंट एक्सेस एक्सपोर्ट ऑफ अनट्रेडेबल, मिशन कैन प्लेस आउटपुट्स टू इंक्रीज पर कैपिटा कंजम्पशन, नेशन में प्रोवाइड सब्सिडी विच रिजल्ट्स इन ग्रेटर डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स। देखिए यहाँ पे आपको फिर से टीओटी इफेक्ट और वेल्थ इफेक्ट नहीं बताना था। हम लोग अक्सर आंसर्स में रेपिटेटिवनेस ले आते हैं आंसर की लेंथ बढ़ाने के लिए, लेकिन ये एकदम गलत होता है। ये एक नेगेटिव इम्प्रेशन देता है और इसकी वजह से आपके मार्क्स जो है डिडक्ट होंगे, पॉजिटिव में नहीं आएंगे। उसके बाद जो है देखिए, आपने भी इमिसराइजिंग ग्रोथ जो है कैसे नेगेटिव चीज़ है, इस चीज़ को आपको एक एग्जांपल लेकर के यहाँ पे स्मॉल कंट्री वगैरह का लेके बता देते कि इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है कि आपका आउटपुट इंक्रीज कर रहा होता है, लेकिन इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं हो रहा होता है क्योंकि कंजम्पशन ने इंक्रीज किया है। ये चीज़ यहाँ से मिसिंग है, तो इस चीज़ के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद वर्ड लिमिट भी नहीं आपने जो है रीच करी है, 200 वर्ड्स का था। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपने कंक्लूजन दिया है, दैट देयरफॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन प्रिवेंट इमिसराइजिंग ग्रोथ बाय प्रिवेंटिंग एक्सेसिव इंपोर्ट्स एंड ये के लिए नॉन बेनिफिशियल, थोड़ा राइटिंग पे भी आपको वर्क करना है, एक्सेस एक्सपोर्ट। ठीक है, ये लेकिन ये आपने प्रूफ कहाँ किया है कि एक्सेस एक्सपोर्ट से ये ऐसा हो जाएगा? इसका ग्राफ वगैरह आपने कहीं बनाया ही नहीं है। नहीं, ट्रेड बैरियर्स तो आपके मेजर हो गए, ट्रेड बैरियर्स तो आपके मेजर हो गए एक्सेस एक्सपोर्ट को, या सॉरी एक्सेस इंपोर्ट को मेनली, या कुछ अमाउंट में एक्सेस एक्सपोर्ट को रोकने के लिए। लेकिन क्यों हमें एक्सेस इंपोर्ट को रोकना है, हमें क्यों एक्सपोर्ट को कम करना है, ये चीज़ आपने नहीं बताई। आपने कहीं पे भी ये नहीं बताया कि जब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज कर जाता है व्हेन प्राइस रेशियो इज कांस्टेंट, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका टीओटी क्या होता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके डिटोरिएट करने लग जाते हैं। ये आपने कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस किया और इसका आपने कर्व वगैरह नहीं बनाया है, तो इसलिए आपको जो है मैं 4 दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ कैन लीड टू अनफेवरेबल टीओटी। ठीक है, एंड दिस इज ओनली ट्रू फॉर लार्ज कंट्री, नॉट फॉर स्मॉल कंट्री।
तो इसमें आपको एक्चुअली बताना था कि जो एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ होती है वो टीओटी को, अगेन टीओटी इफेक्ट की ही बात हो रही है यहाँ पे कि टीओटी इफेक्ट आपका नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये आपको दिखाना था कि टीओटी इफेक्ट जो है ये एप्लीकेबल होता है लार्ज कंट्री के केस में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर ये बताना चाहिए था कि टीओटी इफेक्ट और वेल्थ इफेक्ट दोनों क्या होते हैं, और या फिर आप दो तीन लाइन लिख सकते थे इंट्रोडक्शन में कि टीओटी इफेक्ट जो होता है वो आपका इम्पैक्ट करता है कैसे लार्ज कंट्री में, कैसे वो डिक्रीज कर जाता है जब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज करता है, लेकिन स्मॉल कंट्री में ऐसा नहीं होता है। तो ये बात आपको इंट्रोडक्शन में बतानी थी। उसके बाद आप बॉडी में जो है इसको डिस्क्राइब कर सकते थे, ग्राफ वगैरह बता सकते थे, और फिर आप कंक्लूजन में कह देते प्रूफ है। तो देखते हैं आपने क्या किया है। कह रहे हैं लार्ज कंट्री इज अ कैटेगरी ऑफ अ कंट्री हूज पॉलिसीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कैन ऑल्टर द इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड आउटपुट बायस बेस्ड ग्रोथ इज अनफेवरेबल ड्यू टू टू इफेक्ट्स, आउटपुट और दिस इज एक्सपोर्ट लिखा है आपने, वेल्थ इफेक्ट एंड टीओटी इफेक्ट फॉर अ लार्ज कंट्री एज लेबर इंक्रीज। फिर आपने यहाँ पर आपने अभी डिफाइन नहीं किया वेल्थ इफेक्ट और टीओटी इफेक्ट क्या होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने प्रीवियस वाले आंसर में डिफाइन किया, यहाँ पे आपने नहीं किया तो इसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। फिर आपने ग्राफ बनाया है, ग्राफ देखें, पहले यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, इतनी यूनिट्स इतनी इसकी इतनी, फिर यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, इसका नहीं दिया, यहाँ कितना हो रहा है, खैर ठीक, दिस इज ड्यू टू इसकी थ्योरम, रिस्बिंस्की थ्योरम, इसको आप थोड़ा हाईलाइट कर देते। After trade, the production shift from B to the trade line become flatter. ठीक है, और जब flatter होती है trade line तो क्या होता है, ये आपने लिखा है कहीं? Since trade line has become flatter, the TOT is becoming unfavorable. This due to reciprocity theorem. ठीक है, hence TOT effect is negative. Now let's, तो यहाँ पर TOT effect negative हो गया, wealth effect की बात कर रहे हैं। सो एट प्रोडक्शन ए कंज्यूमर इतना कंज्यूम कर रहा था, फिर इस पर इतना कर रहा है तो कंजम्पशन रिड्यूस हो गया, तो वेल्थ इफेक्ट भी नेगेटिव है। ठीक है, नहीं यहाँ पे इसकी ज़रूरत ही नहीं थी ना, अब आपको सीधे से बताना चाहिए था कि टीओटी और वेल्थ इफेक्ट का क्या इम्पैक्ट है, लेकिन ये चीज़ सिर्फ लार्ज कंट्री के लिए, स्मॉल कंट्री के लिए नहीं है। इतना 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आप इतना नहीं लिखेंगे, आप वर्ड लिमिट एक्सीड कर जाएंगे तो उसके भी नेगेटिव मार्किंग होती है। दिस वॉज नॉट रिक्वायर्ड। आंसर कंक्लूजन में आप सीधा से लिख सकते हैं कि ये जो मैंने बताया लार्ज कंट्री के से स्मॉल कंट्री उसको बोलते हैं जो टर्म्स ऑफ ट्रेड को अल्टर ही नहीं करती है, तो जब वो टर्म्स ऑफ ट्रेड को अल्टर ही नहीं करती है तो उसमें हम कहाँ से करेंगे, तो बस यहाँ खत्म करना है। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, तो आइंदा इसका ध्यान रखिएगा। ओके, सो फर्स्ट इज वॉट इज इमिसराइजिंग ग्रोथ, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड थ्रू ट्रेड पॉलिसी इंटरवेंशन। सो इमिसराइजिंग ग्रोथ इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट विच सेज दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री डज नॉट ऑलवेज लीड टू इकोनॉमिक वेलफेयर इन दैट कंट्री। ठीक है, गुड। सो इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू द इंक्रीज इन द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री, प्रोडक्शन इज प्रो ट्रेड If the output of a country's exportable commodity increases proportionality, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी, this was not required. More than the importable and it is, and इसकी ज़रूरत नहीं थी, this was not required. Economic welfare of a country is determined by the consumption of the country. Consumption is pro trade. ये भी दिस वॉज अगेन नॉट रिक्वायर्ड। आपसे पूछा गया है इमिसराइजिंग ग्रोथ के बारे में और आप प्रोडक्शन कंजम्पशन ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा आप, चलिए ठीक है, इनके बारे में आप कुछ लाइंस लिख सकते हो, एक दो लाइन लिख दीजिए, आप इनको इतना डिटेल में क्यों डिफाइन कर रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है इसकी, आप वर्ड लिमिट एक्सीड कर जाओगे ऐसे। तो देखिए यहाँ पे बीटिंग राउंड द बुश नहीं करना है आपको, ये कोई ह्यूमैनिटी वगैरह का सब्जेक्ट या फिर कॉलेज का पेपर नहीं है कि आप ऐसा करो। इकोनॉमिक्स में आपको टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, और आपको उसको सपोर्ट करना है ग्राफ और फार्मूलाज से, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आप ज़बरदस्ती इलॉन्गेट मत कीजिए। Whether the economic growth of a country is leading to economic welfare, it will depend on these two effects. ठीक है, TOT effect and wealth effect. TOT effect will be positive when
विथ कॉन्स्टेंट प्राइस रेशियो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड डिक्रीजेस, राइट। आपने भी कोई ग्राफ वगैरह नहीं बनाया है इस आंसर। टीओटी इफेक्ट विल बी नेगेटिव व्हेन विद प्राइस रेशियोस वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीजेस, वेल्थ इफेक्ट विल बी पॉजिटिव व्हेन पर कैपिटा कंजम्पशन इंक्रीजेस, वेल्थ इफेक्ट विल बी नेगेटिव व्हेन पर कैपिटा, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स अ कंट्री कैन इमिस राइजिंग ग्रोथ जो पूछा गया था उसको तो आपने मात्र दो तीन लाइन में बताया, उसके अलावा आपने बाकी सारी बातें करी है मिस राइजिंग ग्रोथ को छोड़ करके। आपने बस इतना है मिस राइजिंग ग्रोथ, आपने कोट नहीं किया यहाँ पे, आपने डेफिनेशन नहीं दी भगवती इकोनॉमिस्ट ने जो दी थी, ये सारी बातें आपने नहीं करी, उसके अलावा आप बाकी बातें करते गए। बाय इम्पोजिंग ट्रेड बैरियर्स अ कंट्री कैन प्रिवेंट इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, कैन प्रिवेंट इट सेल्फ फ्रॉम ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। टैरिफ्स बता दिया आपने, टैरिफ्स आप बेसिकली ड्यूटीज, ठीक है। इसमें तो बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, वो सारे आपने डिफाइन करें। ग्राफ बना देते एक छोटा सा स्मॉल कंट्री केस बता देते तो आपको और मार्क्स मिल जाते, पर सिक्स दूंगा आपको। आपने आंसर को सही जील में आंसर किया है। द आर्ग्यूमेंट दैट एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ में टर्न द टी ओ टी अनफेवरेबल टू द कंट्री हेंस में नॉट बी बेनिफिशियल। सो सेकेंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक्सपोर्ट बायस्ड ग्रोथ जो है वो टी ओ टी को अनफेवरेबल कर देती है, लेकिन ये चीज़ सिर्फ लार्ज कंट्री के लिए होता है, स्मॉल के लिए नहीं होता है। तो इस चीज़ को आपको बेसिकली प्रूफ करना था। तो अ लार्ज कंट्री इज अ कंट्री विच कैन ऑल्टर द टी ओ टी, वेयर एज अ स्मॉल कंट्री इज अ कंट्री विच कैन ऑट, ठीक है, अच्छा इंट्रो है। नाउ एक्सपोर्ट बायस्ड ग्रोथ फॉर अ लार्ज कंट्री इज फेवरेबल और नॉट विल डिपेंड अपॉन टू इफेक्ट्स, टी ओ टी एंड वेल्थ इफेक्ट, ठीक है। ग्राफ आपने देखिए लेबलिंग नहीं करी, आप लोग लेबलिंग क्यों नहीं करते हो, फिर कैसे समझ में आएगा कितना कंजम्पशन हो रहा है, उसका आइडिया कैसे लगेगा। ये आप बनाते तो ऑटोमेटिकली दिख जाता ना कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है कंजम्पशन, तो इसका मतलब वेल्थ इफेक्ट रिड्यूस हो रहा है। ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। सपोज देर आर टू गुड्स, गुड एक्स विच इज लेबर इंटेंसिव, गुड वाई विच इज कैपिटल इंटेंसिव, अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोकिटी trade line is steeper then TOT improves and if trade line is flatter, so फिर यहाँ पे आपने reciprocity theorem define किया, increase in production PPC, large country shift outwards, price ratio being constant, declining trade line is getting steeper। अगर ट्रेड लाइन स्टीपर हो रही है तो अभी आपने लिखा था टी ओ टी पॉजिटिव हो जाएगा, फिर आप कह रहे हो टी ओ टी इफेक्ट नेगेटिव हो गया, ये क्या मतलब है। और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा गलत हो गया आपका, क्योंकि ट्रेड लाइन जो है स्टीपर नहीं हो रही है, स्टीप का मतलब होता है शिफ्टिंग टूवर्ड्स वाई एक्सिस। ये पहले ऐसी थी ट्रेड लाइन, ये थी ट्रेड लाइन, अब ट्रेड लाइन कैसे हो गई, ऐसे हो गई है, तो वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो रही है कि लेटती चली जा रही है। सो इट इज गेटिंग फ्लैट, तो कॉन्सेप्चुअल एरर हो गया आपका। अब यहाँ से ही आपकी कॉपी चेक होना बंद हो जाएगी, क्योंकि आपने जैसे ही कॉन्सेप्चुअल एरर करा वो आपको आउट ऑफ 15 बहुत मन हुआ तो 1 या 2 दे देगा, वरना 0 देंगे। तो कॉन्सेप्चुअल एरर तो बिल्कुल भी नहीं करने, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए कंजम्पशन इज डिटोरिएटिंग फ्रॉम, ठीक है, पर कैपिटा कंजम्पशन देयरफॉर वेल्थ इफेक्ट, क्या लिख रही हैं आप लिख रही हैं पर कैपिटा कंजम्पशन इज डिक्लाइनिंग, तो पर कैपिटा कंजम्पशन अगर डिक्रीज कर रहा है तो वेल्थ इफेक्ट पॉजिटिव कैसे हो गया, वो तो नेगेटिव हो गया। ये ऐसे एरर्स क्यों किए हैं आपने, आती हुई चीज़ें आप गलत कर रही हैं। फिर यहाँ पे आपने स्मॉल कंट्री केस बताया, यहाँ पे फिर आपने नंबर्स नहीं लिखे हैं, कंट्री टी ओ टी या कॉन्स्टेंट, ट्रेड लाइन या पैरेलल, तो ठीक है टी ओ टी या कॉन्स्टेंट यानी चेंज नहीं हो रहे हैं, फिर आपको आगे एक बात ही नहीं करनी चाहिए थी, ये सब रिक्वायर्ड ही नहीं था। तो क्योंकि यहाँ पे टी ओ टी कॉन्स्टेंट रहता है, इसका मतलब ये इफेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ वही इफेक्ट होता है। चलिए मैं आपको 2 मार्क्स दे दूंगा आउट ऑफ 15। इम्प्रोवाइज करिए, ऐसी गलतियाँ मत किया करिए, आती हुई चीज़ें आपने गलत करी हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार से अच्छे से करिएगा, ठीक है। थैंक यू।